खबर झारखंड के गोड्डा जिले से। गोड्डा से बोआरी जोर के रास्ते साहबगंज पाकुड़ जिले को सीधा जोड़ने वाला ललमटिया बोआरी जोर मिर्जा चौकी सड़क मार्ग दिनों दिन बदहाल होता जा रहा है। अंधाधुन निर्माण मरम्मत के नाम पर ओवरलोड गाड़ियों के परिचालन से सड़क की हालत जर्जर हो गई है। यह सड़क मार्ग अत्यंत दुर्गम हो चला है, इस ओर किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जा रहा। आइए मिलते हैं यहाँ के ग्रामीणों से, जो कि रोड की बहुत दिन से समस्या चल रही है। हम जानेंगे कि रोड की स्थिति कब से चल रही है। आपका नाम क्या है सर? बिल्तन देव। अच्छा, ये जो आपकी रोड है कहाँ से कहाँ जाती है? ये आपका रोड चला जाती है गोड्डा, गोड्डा से और इधर उससे भी आगे जाती है, ये हाईवे में जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। ठीक, तो हम ये जानना चाहेंगे कि रोड का हालात कब से? आज का रोड लॉकडाउन से, लॉकडाउन से पहले से ही है? ठीक, लॉकडाउन के बाद से हुआ। तो आप जब रोड पे चलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आप अगर कोई भी गाड़ी पे आप चलते हैं तो आपको क्या लगता है? डर लगता है, हो सकता है गिर जाएंगे या गाड़ी पलटी मार देगा। पलटी मार देगा, ऐसा महसूस होता है? ऐसा महसूस होता है। अच्छा, मोटरसाइकिल लेके अभी तक आपके यहाँ पे कोई सरकार या प्रशासन ये रोड के बारे में कभी भी कोई बातें करने के लिए स्थानीय आपका कोई भी जनप्रतिनिधि आपसे बातें करने आए हैं? नहीं आए। क्या रोड बनने के लिए आपसे कोई बातें की? इलेक्शन में कोई भी आपसे रोड बनाने के लिए बातें किए थे? कोई भी आपके विधायक या जो भी सांसद कोई भी वादा किए थे? कोई सांसद नहीं किए हैं, कोई विधायक नहीं। आपसे बोले नहीं थे इलेक्शन के टाइम में कि मैं रोड बना दूंगा? नहीं, रोड उस टाइम बना था। बना था, हाँ, ताला बरंडी में विधायक थे उस टाइम, रोड बना था। अभी तक फिर दोबारा ग्यारह नाम लोगों ने आया है विधायक, मैं सांसद आपका दिए आपका रोड के लिए कोई आया नहीं? रोड के लिए कोई नहीं आता? नहीं आता। आपका घोरी चौध होते जितना भी बी डी ओ साहब हो, चाहे एस डी ओ हो, चाहे कोई भी साहब, घोरी चौध होते आता नहीं आते? नहीं, कोई भी नहीं आते। नहीं, वो सारा छोड़ दिए, रोड छोड़ दिए, वो अपने रास्ता बदल दिए। हम लोग खड़े जाने में दिक्कत हो रही है। ये आपको मतलब ये पब्लिक के हाथ में छोड़ दिए सारे रोड को? हाँ। आप लोग जो आप जानता हैं, आप ये बताएंगे क्या रोड पे आप चलते हैं तो क्या ये सारा तो आप लोग भी टैक्स पे करते हैं सरकार को? जी हाँ, पे करते हैं। तो इस हालात से गुजर रहे हैं तो क्या आपको कैसा लग रहा है? सरकार के लिए आप कितने खुश हैं? सरकार के लिए कैसे खुश रहेंगे? रोडे नहीं है ना, आपका बिजली आपका ये आपका पानी टंकी है, जनरेटर है, उसमें भी सुविधा नहीं है। ये पानी टंकी बना हुआ उसमें पानी नहीं है? नहीं है। अच्छा, ये कब बना है? बना है आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी। पाँच साल हो गए। ये यहाँ कितने आबादी है, घने आबादी इस एरिया का कितने हैं? यानी हजार घर के आसपास होंगे इस एरिया में, इसी से सारे लोगों का पानी जाते हैं। ये खराब है, बहुत सारी परेशानी भी आती है पानी के लेकर के। इस पर भी किन्हीं का ध्यान नहीं है? नहीं। आइए, तो सरकार बड़े बड़े बातें कर रही है, ये जानते हैं। केंद्र सरकार भी बड़े बड़े बातें कर रही है कि हम पूरे विकास कर रहे हैं। हमारे राज्य सरकार भी बात करती है कि पूरे ग्रामीणों का हमने विकास किया। आइए, ये है विकास, हम जानते हैं ये है लोग विकास करने का जरिया, सरकार कर रही है ये विकास। ठीक है, आइए फिर कुछ और लोगों से मिलते हैं। बाबा बताएंगे ये रोड का स्थिति, आप तो बहुत दिन से ये रोड में कैसा स्थिति हो रहा है? क्या करेंगे, सरकारें ने बोल रोड का स्थिति जो इतने खराब है, पैदल जाने योग्य है कि नहीं? एकदम पूरा पूरा हम चल रहे हैं। क्या कीजिए, हम लोग सेकंड ये इस गाड़ी वाले से भी मिलते हैं। आपका नाम क्या है? ये गाड़ी जो रोड में चला रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? डेंजर रोड है। क्या लग रहा है आपको इस रोड में जब आप गुजरते हैं तो आपको कैसा एहसास हो रहा है? क्या लगता है, क्यों डर लगती है, क्या प्रॉब्लम होता है? गाड़ी पूरा डर लगता है। ये रोड का हालात कब से है सर? 3 महीने से ऐसा ही हालात है। आज तक ये बनते हुए आपका भी कोई आपको नजर आया है बनाते हुए इस रोड में कोई कार्य होते हुए? नहीं समझ में। ठीक से इन गाड़ी वालों से कि
ये जो रोड का स्थिति है, आपका नाम क्या है? निपन मंडल। निपन मंडल, निपन मंडल। अच्छा, निपन मंडल। आप सर, ये जो रोड में कब से चल रहे हैं? वो तो हम लोग बराबर चलते हैं सर। बराबर चलते हैं? नहीं, ये रोड का हालात ये जो है, क्या आपके लिए क्या महसूस? बहुत स्थिति खराब है। बहुत स्थिति खराब, चलने लायक रोड ही नहीं है। अच्छा, आप लोग इसके मतलब ये रोड चलने लगे, ये पूरा एकदम ऐसा लग रहा है रोड का, क्या है? आप रोड तो पूरा कंडम है। अच्छा, गाड़ी चलने लायक ही नहीं। क्या तो महसूस? जबरदस्ती चला रहे हैं। जबरदस्ती चला रहे हैं। अच्छा, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर तुरंत क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बगल में सब्सक्राइब का भी बटन है, कृपया सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएँ और हमारे सारे वीडियोज़ को सबसे पहले देखने का मौका पाएं।